हे गाइस, वेलकम एकदम अगर वीडियो। तो गाइस, अगर आप मीशो से कोई भी शॉपिंग करते हो और वो सामान डैमेज आता है, मतलब ख़राब आता है, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रिक सामान बाय किया था, जैसे कि ये वाला सामान, तो इसका जो पिन है वो ख़राब आया था, ठीक है। तो मैं अभी कैसे उसको रिफंड लाऊं या एक्सचेंज करूं, सब कुछ ये वीडियो में जानने वाले हैं। आपको कैसे आपका पैसा वापस मिलेगा और आपको कैसे जो कि रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको मोबाइल स्क्रीन शो हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर मीशो को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं ऑर्डर सेक्शन में ही ऑर्डर को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला पिन मैं बाय किया था, मुझे मिल गया है, पर इसका जो पिन है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ये 187 का है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर रिटर्न बाय एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो जो पहला ऑप्शन है गाइस, प्रोडक्ट नॉट नीड एनी मोर, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट आपको चाहिए नहीं था, ठीक है। अगर आपको चाहिए नहीं था तो ऊपर वाला ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है गाइस, क्वालिटी इशू, अगर क्वालिटी में कोई भी ख़राबी है, मतलब आपको क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब लो क्वालिटी का है, तो आप जो है सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। जो तीसरा वाला ऑप्शन है गाइस, साइज़ फिट इशू, अगर आपका साइज़ मतलब जो भी आपको बताया गया था वो नहीं आया, मतलब जो ओयार में मंगाया था वो छोटा आ गया है, तो ये साइज़ इशू पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद डैमेज यूज प्रोडक्ट, अगर आपको डैमेज प्रोडक्ट मिला है और बना यूज प्रोडक्ट मिला है, तो गाइज इसको आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आइटम मिसिंग इन द पैक, अगर आपको जो ऑर्डर किए हो वो मिसिंग है, वो पैक के अंदर नहीं है, तो आप जो है ये ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, मतलब आप जो भी ये, जैसे कि मैं ये चार्जर मंगाया था, चार्जर पिन, ये मतलब मैग्नेट वाला, ये ना आके यूएसबी वाला वायर वाला आ गया, ठीक है गाइस। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया आपके पास, तो आप नीचे वाला को क्लिक कर सकते हो। तो अभी जो है हमारा ये जो डैमेज यूज प्रोडक्ट, ठीक है गाइस, तो डैमेज आया है, तो डैमेज को क्लिक करते हैं। तो सिंपली डैमेज को मैं क्लिक कर देता हूँ। डैमेज को क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपके सामने और तीन ऑप्शन आ गया है, जैसे कि डर्टी ओल्ड यूज प्रोडक्ट। तो गाइस, जैसे कि मतलब ख़राब प्रोडक्ट, गंदा प्रोडक्ट, ये सारा जो कि आया है अगर, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, है ना। ब्रोकन टर्न प्रोडक्ट, तो गाइस अगर आपका खराब खुला खुला प्रोडक्ट है, तो गाइस सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बोथ पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डैमेज, अगर आपका प्रोडक्ट भी डैमेज है और जो पैकेज आया था वो भी डैमेज है, तो सबसे जो लास्ट ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हैं। पर हमारा जो एक पिन ख़राब है, तो ब्रोकन टोन प्रोडक्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, रिटर्न एंड एक्सचेंज। आपको अगर रिटर्न करना देना है, पैसा लेना है, तो रिटर्न पर क्लिक करिए। अगर एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज पर क्लिक करिए। तो मैं रिटर्न पर क्लिक करता हूँ, और रिटर्न को क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस आ जाएगा, पिकअप एड्रेस, जो कि वो सामान लेने के लिए कुरियर बॉय आएगा। तो वो एड्रेस को एक बार आप चेक कर लीजिए, वो एड्रेस सही है तो आप नेक्स्ट करिए, वरना एडिट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो वो सही है, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिकअप बाय 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर तक ये पिकअप हो जाएगा। इसका रिफंड बैलेंस इतना है, देख सकते हो 159 मुझे रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सही है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैसेज भी आ गया है ऊपर, तो 5 दिन के अंदर मेरा रिफंड जो है मुझे मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, बोलते हैं 5 दिन, पर ये जो है पिकअप होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं माई ऑर्डर पर जाता हूँ, उसके बाद ये जो चार्जिंग ऑप्शन है, ये वाला प्रोडक्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद देख सकते हो रिटर्न, ठीक है। ये आईडी आ गया है, पिकअप आईडी, तो डिलीवरी कुरियर के थ्रू ये पिकअप हो जाएगा ये मेरा सामान। और यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हो, तो यहाँ पर पिकअप हो जाएगा। होने के बाद आपको जो पैसा मिल जाएगा 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएगा, पर वो लोग 5 दिन का टाइम लेते हैं। अगर आपको पैसा कैसे वापस लेना है, किस में आएगा, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किए होगे तो आपका ऑनलाइन में आ जाएगा, ठीक है। इस ऑनलाइन में जो UPI ID से किए होगे, वही UPI ID को आपका पैसा आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में नहीं किए, कैश ऑन डिलीवरी किए होगे, तो गाइज यहाँ पर आपका प्रोफाइल सेक्शन को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट रिफंड पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपका, जैसे कि मैं UPI से ऑर्डर किया था, तो यहाँ पर पेमेंट मोड को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरा UPI ID यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैंक जाता हूँ। बैंक जाने के बाद अगर आप कैश ऑन डिलीवरी किए हो, तो बैंक
एंड UPI डिटेल्स उसको क्लिक करिए। यहाँ पर अगर बैंक देना है तो बैंक पे ऐड करिए और UPI देना है तो UPI को क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ID दे देना है, उसके बाद आपका 2-3 दिन के अंदर आपका पैसा जो है आ जाएगा। तो बैंक अगर देते हो तो यहाँ पर आपको 7 डेज लग जाएगा, अगर आप UPI देते हो तो 3 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। अगर गाइस आपको पूरा डिटेल्स में जानना है कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं तो आपको एंड स्क्रीन में वो सारे वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट मीशो में कैसे ऐड करते हैं और मीशो में कोई भी प्रोडक्ट आ गया तो एक्सचेंज कैसे करते हैं, मीशो से कैश ऑन डिलीवरी कैसे ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन मतलब UPI दे के कैसे ऑर्डर करते हैं, सब कुछ वीडियो में बनाया हूँ, वो सारे वीडियो को आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।